हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल असलम हार्डवेयर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार बेड वायर के बारे में दोस्तों, जो कि आपके सामने सिंपली दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये वाला वायर खेत में किसान भाइयों के लिए ज़्यादातर यूज में लिया जाता है, जो कि जानवर वगैरह कोई सी भी गाय वगैरह या कोई सी पशु वगैरह उनकी फसलें खराब करते हैं, तो वहाँ पर बाउंड्री बनाने में ये वाला वायर काम में लिया जाता है, जिसे दोस्तों कांटेदार वायर भी बोला जाता है। दोस्तों आज की वीडियो हम पूरी डिटेल से इस वायर के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो आपको पूरी कंप्लीटली लास्ट देखनी है, वीडियो आपको पूरी की पूरी एंड तक देखनी है, ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके सामने ये बारबिट वायर दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो कि खेत पे काम में लिया जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कॉस्टिंग बता देता हूँ, मतलब कि ये क्या रेट में पड़ता है। दोस्तों ये पूरा का पूरा जो बंडल आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, हमारे यहाँ पे राजस्थान में 70 रुपये के जी के हिसाब से मिलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 70 रुपये 70 रुपये के जी के हिसाब से हमारे राजस्थान में आपको कम्प्लीटली मिल जाता है। और दोस्तों ये बंडल कितना के जी का होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये 32 किलो का पूरा बंडल होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 32 किलो का ये पूरा का पूरा बंडल होता है। हो सकता है दोस्तों आप अदर स्टेट से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, कर्नाटक से हो, गुजरात से हो, तो हो सकता है आपको वहाँ पर ये बंडल थोड़ा महंगा मिल सकता है, थोड़ा सस्ता मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस का थोड़ा इश्यूज रहता है, कहीं पर टैक्स ज़्यादा लगता है, कहीं पर टैक्स कम लगता है, तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको इसका रेट थोड़ा अप डाउन हो सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसका कैसे क्या प्राइस पड़ता है। दोस्तों अगर आप देख सकते हैं 32 किलो का पूरा बंडल है और 70 रुपए के हिसाब से लगाएंगे तो कुछ 2200 रुपए के आसपास ही आपको पूरा का पूरा बंडल कंप्लीटली मिल जाता है। 2200 रुपए में आपको पूरा का पूरा बंडल मिल जाता है। हो सकता है आप अदर स्टेट से हो तो वहाँ पर आपको ये 2000 में भी मिल सकता है, 1900 में भी मिल सकता है, या फिर आपको वहाँ पर ये 2400 में भी मिल सकता है, 2500 में भी मिल सकता है। अदर अदर स्टेट का अलग अलग रेट होता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी थिकनेस कितनी होती है। इस वायर की जो थिकनेस होती है दोस्तों, इस वायर की जो मोटाई होती है दोस्तों, वो 2.5 mm होती है, जो कि इसकी थिकनेस होती है। और दोस्तों इसमें जो कांटे लगे रहते हैं वो कितनी कितनी दूरी पे लगे रहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसकी जो कांटे का डिस्टेंस होता है, इसमें जो कांटे लगे रहते हैं दोस्तों, 5 इंची की गैप में लगे रहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 3 से 5 इंची का गैप पूरा का पूरा उसमें होता है। और दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया पूरा का पूरा बंडल 32 किलो का होता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके बंडल की पूरी लंबाई कितनी, मतलब इसकी ये पूरा का पूरा बंडल की वायर की लेंथ कितनी होती है। दोस्तों ये पूरा का पूरा 550 से 500 के करीब फिट निकलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 500 से 550 फिट के करीब में पूरा का पूरा बंडल आपका कम्प्लीटली निकल जाता है। बिल्कुल फिक्स नहीं बता सकता दोस्तों, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, कोई 520 भी फिट निकलता है, कोई 550 भी निकलता है, कोई कोई बंडल 500 फिट भी निकलता है, ये इसके पूरे वजन पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको इसे खेत में कैसे लगाना होता है। दोस्तों इसको लगाने के लिए आपको पूरी की पूरी एक एंगल खरीदनी पड़ती है, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि आपकी 2 इंची एंगल होती है, जो कि जस्ता की एंगल होती है। दोस्तों अब जस्ता एंगल क्या होती है दोस्तों, आपने देखा होगा जो कि मोबाइल टावर वगैरह बने रहते हैं दोस्तों, उसमें जो एंगल यूज़ की जाती है दोस्तों, वही वाली एंगल आपको खेत में यूज करनी है, क्योंकि जस्ता जो होती है दोस्तों उस पर जस्ता का कोटिंग चढ़ा रहता है, जो कि उसे जंग लगने से बचाता है। आपने जरूर से देखा होगा जो मोबाइल टावर होते हैं, जो लाइट के टावर होते हैं, जिसपे तारे लगी रहती है, उस पर कभी जंग नहीं आता, क्योंकि दोस्तों जस्ता की एंगल होती है जो कि उसे आसानी से जंग नहीं पकड़ती, ज्यादातर लोग इसे इसलिए ही यूज करते। तो आपको भी वही वाली एंगल अपने खेत में यूज करनी। अब उसकी हाइट कितनी रखनी है आपको मैं उस एंगल की हाइट बता देता हूँ। दोस्तों आपको वो टोटल जो एंगल की हाइट रखनी है दोस्तों, वो 7.5 फीट रखनी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 7.5 फीट उस एंगल की आपको हाइट रखनी है, जिसमें आपको 2.5 फीट का गड्ढा खोदना है आपका खेत में और 2.5 फीट उस एंगल को नीचे गाड़ देनी है। गाड़ देने के बाद में उसको आपको नीचे से सीमेंटिंग कोटिंग कर देनी है, मतलब आपको उसमें रेती सीमेंट मिला के पूरा बढ़िया पक्का कर देना है, ताकि वो कोई पशु दबा के गिरा ना सके या फिर कोई हवा से वो गिर ना जाए। उसके बाद दोस्तों आपको एंगल में होल करवाने होते हैं, जो कि आपको पहले से ही करवा के रखने होते हैं। और बाद में दोस्तों वहाँ पर वायर खींचने के बाद में, जो कि आप देख सकते हैं, एक तरफ आपको वायर बन जाता है, जो कि 2.5 इंच की एंगल होती है वहाँ पर ये सिंपली बन जाता है। उसके बाद में दोस्तों वायर खींचने के लिए एक जुगाड़ बनाते हैं, जिसको डाई प्रेस जुगाड़ बोलते हैं, जो कि वी शेप से बनाया होता है। आपको मैं साइड में एक फोटो दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से जुगाड़ होता है। तो वहाँ पे उसको ऐसे वायर में फंसा के खींचा जाता है, और खींचने के बाद दोस्तों उसे कैसा बांधा जाता है, दोस्तों एक जना खींचता है और एक जना उसको वायर से, GI वायर से बांध देता है, जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा GI वायर, उससे उससे बांध
दिया जाता है, या फिर दोस्तों क्वार्टर पिन भी आती है जो कि आपने जो छेद किया है उसमें डायरेक्ट क्वार्टर पिन में उस वायर को फंसा के डायरेक्ट उसमें होल में डाल देते हैं और वहां से इसको चौड़ा कर देते। क्वार्टर पिन से भी आपका काम चल जाता है, क्वार्टर पिन से भी इतनी मजबूती होती है। अगर आपको क्वार्टर पिन अवेलेबल नहीं होती है तो आप GI वायर से भी बांध सकते हैं, उससे भी इतनी ही मजबूती आती है। और दोस्तों ये पूरा का पूरा बढ़िया होता है और आपको अच्छा क्वालिटी का लेना है, टाटा का भी ले सकते हैं, बंसल का भी ले सकते हैं। हर सस्ता वाला नया लें जो कि आपको 50 से 60 रुपए के किलो के बीच में मिल जाएगा, अगर वो लेंगे तो आपको वो 1-2 साल के अंदर ही जंग लग जाएगा और ख़राब हो जाएगी। और दोस्तों अगर ये आपको वायर वगैरह खरीदने हैं तो मैं आपके लिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके बताऊंगा, अगर कोई इसे बेच रहा होगा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उसे खरीद सकते हैं वहां से इसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको जानकारी जरूर से पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, और आपके दिमाग में कोई सवाल है इस वायर से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।